सरबिया काशफुल उलूम नानपारा से चंदा के लिए आए हैं। प्रधान जी, घर से बाहर निकलो, मुफ्ती साहब चंदा खातिर आए हैं। कहाँ से? मदरसा अरबिया काशफुल उलूम नानपारा से। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब। प्रधान जी सुनिए तो सही, इतनी दुश्मनी क्या है कि मेरे तरफ मुतवज्जे भी नहीं हो रहे हो? मुफ्ती साहब अभी मैं ज्यादा जल्दी में हूँ, बाद में बात करूँगा। प्रधान जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे भी इस वक्त बहुत सारे गाँव के लोगों से मुलाकात करनी है। तुम जैसे लोग ऐसे तो मैं बहुत डरता हूँ, लेकिन फिर भी कहिए क्या बात है? क्यों प्रधान जी, हम जैसे लोग दरिंदे तो नहीं होते कि आप कौन सा डर लगता है? क्या बताऊँ, जब भी कोई मुफ्ती मिलता है वो ये कहता है प्रधान जी रसीद कटवा लो, और ना मालूम ज़कात क्या चीज है। जब भी कोई मुफ्ती आता है इसी के बारे में सवाल करता है कि आप कितने ज़कात निकालते हैं। मेरा ख्याल है कि आप भी इसी मकसद से आए होंगे। माशाल्लाह आप तो बड़े होशियार आदमी मालूम होते हो कि बतलाने से पहले ही मकसद समझ गए हो, मगर मैं तो नहीं समझा किस में को डरने की बात है। जब आप इतने मालदार हैं तो मुफ्ती लोग तो पूछेंगे। डरने की बात नहीं तो और क्या है, ऐसे ज़कात के नाम पर बहका कर ना मालूम होलम हमारा कितना माल लेंगे, और मुझे आज तक उसका कोई फायदा ही नहीं मिला। इसी वजह से कई सालों से तुम जैसे मुफ्तियों से मिलना छोड़ दिया है। जब भी कोई मुफ्ती आता है उसको कई बहाना बताकर घर से बाहर चला जाता हूँ। प्रधान जी तो क्या आप ज़कात नहीं देते हो? अच्छा प्रधान जी ये बतलाइए कि आपका कारोबार क्या है और उससे कितनी कमाई है? मुफ्ती साहब कारोबार तो कुछ भी नहीं, बस 50 बीघा जमीन जिसमें हर साल 200 क्विंटल धान और 50 क्विंटल गेहूँ हो जाते हैं। आगे क्या बताओ, किसी तरह घर चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आमदनी तो बड़ी अच्छी है, फिर आपने तंग दिल होकर ज़कात देना क्यों छोड़ दिया, हालांकि आप पर तो बड़ी मकदार में ज़कात फर्ज है। मुफ्ती साहब आप भी मुझे उल्टा कलमा पढ़ाने लगे, ज़कातें की वजह से तो मैं बर्बाद हो गया हूँ और अब फिर उसी की बात कर रहे हो। मुफ्ती लोग आकर मेरा माल ले गए मगर ना कभी उन्होंने ज़कात देने का कोई फायदा बतलाया है और ना ये भी बतलाया कि ज़कात है भी क्या चीज। इससे मैं तंग आकर मुफ्ती लोग को चिंता देना छोड़ दिया है। मैंने सोचा कि इसी तरह मुफ्ती लोग आते रहे और मैं देता रहा तो फिर मैं बिक जाऊंगा। प्रधान जी इसमें उल्टा कलमा पढ़ाने की कोई बात नहीं है, अगर आपको ज़कात के बारे में नहीं बतलाया है तो आइए मैं आपको बतलाता हूँ। प्रधान जी आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तरह हर मुसलमान पर नमाज रोजा फर्ज है, इसी तरह हर ऐसे शख्स पर ज़कात देना भी वाजिब है जिसके पास शरीयत के मुकर्रर करदा निसाब के मुताबिक माल हो। अगर माल होने के बावजूद भी ज़कात ना निकाले तो उसको सख्त अज़ाब की वाइज सुनाई गई है। कुरान का इरशाद है वल्लज़ीना यक्नीज़ूना अद्ज़हब वल्फिज़्ज़ता वला युन्फ़िकूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, यानी वो लोग जो सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं और उन्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते तो आप ऐसे लोगों को सख्त अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। अगरचे इसमें ज़रा तफ़सील है मगर आइए मैं आपको वो भी बता देता हूँ, बात है मुमकिन है बात आपके समझ में आ जाए। दरअसल हर चीज़ में ज़कात का निसाब अलग अलग मुकर्रर कर रखा है, सोने चांदी का निसाब अलग है, रुपये पैसे का अलग है और पैदावार में अलग तरीके से मुकर्रर है, जानवरों में अलग अंदाज है। जहाँ तक सोने चांदी का निसाब अलग है, अगर किसी के पास 52 तोला चांदी है उस पर साल गुजर जाए तो उसका 400 साल निकालना जरूरी है। इसी तरह पैदावार में उसके मुतालिक शरीफ ने फरमाया कि अगर पैदावार इस जमीन की हो जिसकी सिंचाई करनी पड़ती हो तो उस पैदावार में से 20वां हिस्सा ज़कात के तौर पर निकाला जाएगा, और अगर बगैर सिंचाई के पैदा हो तो उसका 10वां हिस्सा निकालना लाजमी है। और ज्यादा तफसील के लिए इसी मदरसा अरबिया का शुरू से रुजू करो। मुफ्ती साहब आपने निसाब की तफसील तो बता दी है मगर यह नहीं बतलाया कि इसके क्या फायदे हैं। प्रधान जी दरअसल जो माल ज़कात के तौर पर निकाला जाता है और गरीबों और मिस्कीनों का हक होता है, शरीयत ने ज़कात देने का हुक्म इसलिए दिया है ताकि गरीबों की परेशानियां दूर हो सके। ज़कात फ़ुक़रा की रियायत व गमखारी का एक बेहतरीन ज़रिया है, इसलिए तो कुरान व हदीस में ज़कात देने की बार बार ताकीद आई है।
मुफ्ती साहब। अच्छा मुफ्ती साहब, आपकी बात तो कतरे समझ में आती है। सवाल यह है कि ज़कात देने वालों को क्या हासिल होता है? ज़कात देने से तो उसके माल में कमी आ जाती है, फिर आप शरीयत का कौन सा इंसाफ है कि एक की भलाई के खातिर दूसरे को मुसीबत में डालते हैं? प्रधान जी, पहली बार आपका समझ रहा है गलत है, उससे माल में कमी होती है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। ज़कात के तो माना ही बढ़ने और ज्यादा होने के आते हैं, अगरचे ज़ाहिरी तौर पर हमें नजर आता है कि हमारा माल घट जाता है, तो अल्लाह ताला की वही देना होती। जो लोग ज़कात नहीं देते, आप कुरान खोल कर देख ले, आपको जगह जगह मिलेंगी। अल्लाह ताला के इरशाद है कि जो लोग ज़कात नहीं देते तो कयामत में उन्हें सोने चांदी को तपाकर को दागा जाएगा। एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि ज़कात ना दी गई, कयामत के दिन उसकी सूरत सांप की तरह बना दी जाएगी और उसे साहिब माल पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। अच्छा मुफ्ती साहब, ज़कात न देने पर इसी तरह का अजाब दिया जाएगा? प्रधान जी, ये तो आखिरत का मामला है, खुद दुनिया का मामला ये है कि ऐसे लोग के माल को खुदा किसी न किसी सूरत ज़ाय कर देता है, और उसका अंदाजा तो आपको भी होगा कि जो लोग एक पैसे गरीब को नहीं देते उनकी क्या हालत रहती है। माल अपने पास रहने के बावजूद भी वो लोग हर वक्त परेशान ही रहते हैं। मुफ्ती साहब, ये तो मैं रोज देखता रहता हूँ, खुद मेरी ये हालत है। जब से मुफ्ती लोग को अपने माँ से देना छोड़ दिया था, उस दिन से आज तक परेशान हो। और हकीकत है कि अगर मुझे ज़कात के बारे में पहले से मालूम होता तो हरगिज़ मैं ऐसी गलती ना करता। मैं तो काफी शर्मिंदा हूँ कि इतना माल होने के बाद भी कई सालों से ज़कात नहीं दे रहा हूँ। खुदा हमको माफ करे, अब हर साल एक एक रुपये का हिसाब लगा कर ज़कात अदा करूँगा। प्रधान जी, बड़ी खुशी की बात है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई, तो दुआ कीजिए खुदा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। प्रधान जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद गुमरान। गांव का नाम? जशवापुर। कितनी की रसीद कटवाना है? 7,000। ठीक है प्रधान जी, चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब।